नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और हम आपको बता दें कि आज फिलहाल हम खड़े हैं एसडी स्कूल जीटी रोड पर, जहां पर ईवीएम रखी गई है, स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है, कल मतगणना होनी है। यहां की व्यवस्था को लेकर के किस प्रकार से प्रशासनिक व पुलिस यहां पर किस तरह के पुख्ता प्रबंध किए हुए हैं, उसके बारे में तमाम बातों पर जानकारी देंगे और कल की व्यवस्था क्या रहने वाली है उस पर भी हम आपको पूर्णतः जानकारी देंगे। हम बता रहे हैं कि जो एसडी कॉलेज है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा एक बार दिखाएंगे कि जो सामने है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। अंदर की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से कर ली गई है और सामने यहाँ पर काफ़ी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और यहाँ पर आपको बता दें कि हर 100 जवान पर एक डीएसपी की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने बताया है कि वो यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की इस तरह की कोई अव्यवस्था ना हो उसको लेकर के तमाम यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें यहाँ पर गेट बंद रहेगा। जो गेट की बात करें, यहाँ पर इधर सामने देखेंगे कि गेट यहाँ पर बंद रहेगा और यहाँ पर जो अधिकारी होंगे उनके अलावा किसी अन्य सदस्य की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। और जो यहाँ जो लोकसभा चुनाव को लेकर चारों जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं पानीपत की, इसराना संभाल का और पानीपत शहरी और पानीपत ग्रामीण, ये सभी यहाँ पर काउंटिंग होगी और बाहर की व्यवस्था को लेकर के शाम को यहाँ पर पोल लगा दिए जाएंगे और उसका एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा, उसको लेकर भी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएंगी। पीछे मेरे सामने देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रूम है, वो सामने स्ट्रॉन्ग रूम आप देख रहे हैं। यहाँ पर ईवीएम मशीन रखी गई है, यहाँ पर सभी काउंटिंग पूर्णतः यहाँ पर की जाएगी और लाउड स्पीकर की व्यवस्था की जाएगी ताकि बाहर के लोगों को भी जो कार्यकर्ता सभी पार्टियों के आएंगे वो यहाँ पर आ सके। यहाँ पर एसपी सुमित कुमार ने बताया है कि जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, किसी तरह की कोई भी यहाँ परेशानी नहीं आएगी और काउंटिंग के दौरान यहाँ पर जो भी जिस भी पार्टी के सदस्य के कार्ड बनाए गए हैं उनको यदि बाहर या अंदर आना है उसकी हर बार एंट्री कराई जाएगी, इस तरह की व्यवस्था है। और पुलिस की तरफ से भी चाक चौबंद यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यवस्था पूर्णतः की गई है और हर व्यवस्था के दौरान यहाँ किसी प्रकार का कोई भी अप्रिय घटना न घटे उसको लेकर के तमाम बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। पुलिसकर्मी भी यहाँ तैनात हैं और तमाम सारी जो यहाँ पर व्यवस्था है वो सुचारू रूप से हो चुकी हैं। व्यवस्था के दौरान आप देख सकते हैं यहाँ कड़ी सुरक्षा के अंदर ईवीएम मशीन को रखा गया। कल मतगणना होगी और उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन, और हमने बात की पानीपत पुलिस कप्तान सुमित कुमार से, उन्होंने कहा कि हर डीएसपी पर 100 जवान की यहाँ पर ड्यूटी लगाई जाएगी, जिस पर 100 जवानों पर एक डीएसपी की ड्यूटी होगी, जिस पर हर तरीके से बाहर और अंदर पैनी नज़र रखी जाएगी। फिलहाल हम खड़े हैं स्ट्रॉन्ग रूम में, आप देख सकते हैं यहाँ पर सील लगाई गई है और जो व्यवस्था की बात करें और सुरक्षा की बात करें, यहाँ पर जो सुरक्षा के लिहाज से जवान यहाँ पर खड़े किए गए हैं, किसी प्रकार की किसी कोई दिक्कत ना आए। और विपक्षियों का जो दाव है उस पर भी पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने ये कहा है कि ये सभी खोखली जो हैं दावे हैं, जो विरोधी पक्ष है जो वो इस तरह की बातें कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी या बदलाव करने की बात है, इस तरह की तमाम मुद्दों पर उन्होंने खारिज की है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के दावा करते हुए पुलिस कप्तान सुमित कुमार ने कहा कि हर 100 जवान पर एक डीएसपी की जो नियुक्ति की गई है, जो सारी व्यवस्था को इस सुचारू रूप से चलाएंगे। और वहीं एआरओ जो प्रीति हैं उन्होंने भी ये दावा किया कि व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत। सब्सक्राइब नाउ देन प्रेस बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।